अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। एसआरके कॉलेज के प्रोफेसर सहरयार अली को अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी। केंद्रीय मंत्री भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी मामले पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। अभद्र टिप्पणी करने वाले सहरयार अली को भेजा जेल। सहरयार अली ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में किया था समर्पण। कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज करते हुए भेजा जेल। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। कुछ दिन पहले एसआर की डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर है श्रीमान सहरयार अली साहब, उन्होंने मर्यादा को तार तार करते हुए केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणी थी जो इसे लिखने में एक प्रोफेसर जैसे व्यक्तित्व के लिए बहुत अक्षम्य अपराध था। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, वो खारिज हुआ। उसके बाद वो ऑनरेबल हाईकोर्ट गए, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज रेगुलर बेल उन्होंने लगाई थी और सरेंडर किया था माननीय न्यायालय के। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्रीमान संजीव फौजदार साहब ने बिल को ट्रांसफर किया और एफटीसी में श्रीमान अनुराग शर्मा साहब ने आज बिल को सुना था, जिस पर हम लोगों ने पैरवी की और उसमें बेल में आज इंटरिम को खारिज कर दिया गया। रेगुलर बेल के लिए अग्रिम तिथि नियत की है जिसमें सुनवाई होगी। आज सहरयार अली जेल चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की थी, वहाँ से राहत मिली किस तरह की? माननीय न्यायालय ने उसको उन्होंने जब आवेदन दिया था उस पर सुनवाई के दौरान ही उसे वापस ले लिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और आज वो जेल चले गए। जी साहब, ये क्या मामला था प्रोफेसर साहब का, किस तरह से जेल गए? प्रोफेसर साहब को राजनीतिक दबाव के चलते उनके मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि उनके द्वारा ना तो कोई पोस्ट की गई थी ना ही कोई पोस्ट को शेयर किया गया। उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया जिसके खिलाफ हाई कोर्ट गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और वहाँ से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश किया कि आप विद इन 15 डेज माननीय न्यायालय में सरेंडर करें। उसके आदेश के अनुपालन में आज हमने कोर्ट का सम्मान रखते हुए उसमें सरेंडर किया है। उनके जमानत की अर्जी लगाई थी जिसमें 26 तारीख उसमें नियत हो गई। कौन कौन सी धाराओं में? धारा 505(2) IPC व 67A IT Act के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया।